प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें आप आगाह कीजिएगा आप तक क्या इत्तिलात हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की खैर व आफियत के हवाले से, किसी किस्म का कोई राबता उनके हवाले से कोई खबर अगर कोई अच्छी चीज़ है तो ज़रूर हमें बताइए। देखिए अनफॉर्चुनेटली से पिछले 4 सालों से हिंदुस्तान की सरकार ने कोई इजाज़त नहीं दी कि उनसे हमारी टेलीफोन पर बात हो मेरी या बेटी की, या उनसे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, या कोई लेटर हम भेज सकें, या कोई उनकी तरफ से कोई लेटर या टेलीग्राम आए, या कोई पर्सनली मिल सकें। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरी मदर इन लॉ के थ्रू जो भी मिलती है, क्योंकि उनको महीने में एक दफ़ा बात करने की इजाज़त थोड़ी देर के लिए दी जाती है, तो उनकी हालत तो बहुत ही वीक है। एक डेथ सेल में एक इंसान को रखा हुआ है पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट, और फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो केसेस भी आपने देख ही लिया उनके खिलाफ, एक के बाद एक जो है फ्रॉडुलेंट चार्जेस के ऊपर फिक्टिशियस केसेस किए हुए हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के। तो जस्टिस तो कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई इंटरनेशनल जो कवानीन है या आर्मी जो इंसानी हकूक हैं उनकी तो हर लिहाज से जो है वो ब्लेटेंट वॉयलेशन कर रहा है इंडिया, स्पेशली राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, दे आर सिग्नेटरी टू जिनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स।